Hello dear students, good morning to all of you. I am Shelly, your math teacher and students. Today we are going to discuss about test revision. Yes, किसके बारे में discuss करने जा रहे हैं? Test की revision के बारे में. But video start करने से पहले हम बात करते हैं chapter की, कौन सा chapter test में दिया जाएगा. So chapter number 3 आपका multiplication, वो test में आएगा. Test होगा आपका 29 जुलाई को and timing रहेगी 11 to 11:30. मैंने वीडियो का पार्ट वन आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया था, ओके, वन डे अगो. एंड आफ्टर दैट ये क्या पार्ट टू. पार्ट वन के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन था, पार्ट टू के अंदर क्या है हमारे पास, यस, स्टोरी सम्स है. तो उसको अंडरस्टैंड करने मेरे साथ साथ आपने वर्क करना है. यस, डू विद मी. तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टोरीज राइट करके रखी हैं, तो उसको करो. अ फैक्ट्री टर्न्स आउट 500 बॉटल ऑफ जैम इन अ डे. एक दिन में कितनी बॉटल्स जैम की, यस, पैक्ड होती हैं, 500 bottles, okay? How many bottles will be produced in 25 working days? सुनो, one day में कितनी bottles हैं? 500, right? कितने दिन काम चला बच्चे? 25 days, clear? How many days? 25 days are the working days, right? कितने हैं? 25 days working day हैं. अब सुनो, one day में jam की 500 bottles बनती हैं, तो 25 days में कितनी बनेंगी? अब multiply कर दो, yes. So 25 day के लिए क्या करेंगे हम? Yes, 500 multiply 25, okay. तो इसको आप solve करो, उसके बाद आपके पास answer आ जाएगा. करें हम? So 25 multiply 500 है बच्चे. मैंने आपको बताया था, जब 100 लगाओ साइड पे, 500 जब लगाओ, तो लास्ट में ऑलरेडी ये 20 आप लगा दो. और किससे मल्टीप्लाई करो नंबर की? जीरो के साथ वाले की, राइट? ये बताया था, प्रॉपर्टीज है. लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको सारे इन्फॉर्म किया हाउ टू यूज प्रॉपर्टी और मल्टीप्लीकेशन. तो 20 मैंने यहाँ पे राइट करी, 25 और ये 5 है. यस, अब इसकी करो, 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 एंड 10 प्लस 2 12. सो दिस इज 125, ओके. सो ये क्या आ गया? 125. और टोटल क्या बन गया? यस, 12,500 बॉटल्स, राइट? तो ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया. आपने ऐसे ही करना है, जैसे आपको 2 पेन दिए हैं, आपके पास ऐसे 5 सेट और हैं, तो आप 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दोगे तो 10 पेन आ जाएंगे. इस तरीके के बच्चे सम होते हैं. सिर्फ नॉर्मली है, आपने वन डे का आपको दिया, आपको 10 डेज के लिए फाइंड आउट करना है, तो आप वन डे वाली थिंग्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे. ये सारा हमारे पास प्रोसीजर होता है मल्टीप्लीकेशन का, कि हम बारी 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 कैलकुलेट ही क्यों करें. सीधा देखो कि वन डे में क्या काम हो रहा है और आपको करो, राइट? इसके साथ मैं आपको नेक्स्ट देती हूँ. यस, नेक्स्ट सम करते हैं. ये मेरे पास आ गया, क्लियर? समझ भी आ गया होगा कि वन डे में 500 बॉटल्स बनती हैं प्रोड्यूस करके एक फैक्ट्री, तो 25 डेज में कितनी बॉटल्स फैक्ट्री प्रोड्यूस करेगी? तो 500 मल्टीप्लाई 25. तो इस क्वेश्चन को बच्चे मैं अब्रप्ट कर गया, क्योंकि उसके बाद आपका एक और टॉपिक आ जाता है, दैट इज एस्टिमेट वैल्यू. मैंने आपकी नोटबुक चेक करी थी, बहुत बच्चों ने मिस्टेक की हुई थी एस्टिमेट का, उन्होंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रखी है. बट आप देखो तो सही बच्चे कि आपके पास लिखा क्या हुआ है. आपने क्या करना है? पहले एस्टिमेट करना है, उसके बाद आपने वैल्यू निकालनी है. तो वो चीज़ सीखो, एस्टिमेट. फर्स्ट सम, बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10. तो पहले क्या लिखे? 28 मल्टीप्लाई 82. 28 राउंड ऑफ करो नियरेस्ट 10, क्या बन जाएगा? 30. यस, क्या लिखा? 82 राउंड ऑफ करो, क्या बन जाएगा? 80. अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 20 एंड 83s आ, जल्दी से बताओ 83s आ. यस, 81s आ 8, 82s आ 16 एंड 83s आ 24. तो ये मेरे पास आंसर, राइट? तो ये 2400, इजी है ना? क्या करना है? राउंड ऑफ करना है. 28 को राउंड ऑफ, यहां पे क्या है? 8. 8 का क्या बन जाएगा? 0. और 5 से मोर है तो राउंड ऑफ करते हैं. राउंड ऑफ किया हुआ है ना आपने? यस. और अगर नहीं भी किया तो एक बार देख लो क्या लिखा बच्चे. 28 पहले नंबर को क्या करो? 1. उस जिस पे आपने टेंस पे करना है ना राउंड ऑफ 10 का, तो आप उससे एक काम पोजीशन देखो, ये 1s है, ये 10s, तो 10 से पहली पोजीशन क्या है? 1s. 1s वाले को कर दो 0, बना दिया. अब क्या रहा? 2. अब देखो 8 क्या है? मोर देन 5 है. 5 और मोर देन 5 होता है तो उसको क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे. तो 2 में ऐड करा 1, दैट इज
क्लियर। और बाकी अगर राउंड ऑफ में कोई दिक्कत है तो आप वीडियो देख सकते हो, उसमें तो पूरा जो लेक्चर है वो वीडियो उसके ऊपर तैयार कर रखी है राउंड ऑफ पे। ओके, तो आपको वो जरूर देखना अगर प्रॉब्लम आएगा आपको। नेक्स्ट, ये मेरा फर्स्ट सेम हो गया, जो जो होते जा रहे हैं उसको मैं रब करती जा रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, राउंड ऑफ करो नियरेस्ट 100, तो आप क्या करोगे, कर दो। यस, तो नियरेस्ट 100 7, इसका क्या बनेगा 700, और इसका भी 800। क्यों बना 800, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको ये है नंबर है क्या है, नियरेस्ट 100 करना है, वंस टेंस 100, जो वैल्यू दिया जहां पर हमने निकाला उससे एक पॉइंट पहले देखो क्या है, टेंस। टेंस को क्या कर दो, दोनों पोजीशन को जीरो। क्या अब वन है, ये तो लेस देन फाइव है, तो क्या करेंगे 7 एज इट इज रखेंगे, तो ये हमारे पास ऐसे आ गया। ओके, तो ये मेरा आ गया आंसर। यस, 700 सिमिलर थी, मैंने यहाँ पे 2 था तो वो 800 बना दिया। अब 87 था, इसका आंसर निकाल लें। यस, निकालो, इसकी मल्टीप्लाई करो, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 4 1 2 3 4, पहली लगा दो, आगे ना 1 2 3 4 जीरोस आ गई, राइट। नेक्स्ट क्या है, 7 मल्टीप्लाई 8, अब 7 8 सा या 8 7 सा जल्दी से बता दो। यस, 56, दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये मेरे पास एस्टिमेट वैल्यू होती है, ऐसे सम करने थे जो नोटबुक में आप करके मेरे को बारी बारी दिखा रहे थे, बट उसके अंदर नोटबुक के अंदर मिस्टेक्स थी, तो आपने ये करेक्शंस करनी है, कॉपीज में भी काफ़ी बच्चों ने कर रखे हैं। सो बाय राउंड ऑफ नियरेस्ट, ये वाला मेरा हो गया, रब कर दें। यस यस, नेक्स्ट। अब एक टॉपिक ये था बच्चे, आपने 275 मल्टीप्लाई 135, एक को तो करना राउंडेड अप, एक को करना राउंडेड डाउन, क्लियर। अब इसमें से ग्रेटर कौन है, 275, तो ये किस अप कर दो, क्या लिखा हुआ है 2, तो इसको बना देंगे 300, क्लियर। ये स्मॉलेस्ट है, क्या लिखा हुआ है 135, तो इसको कर देंगे हम 100, क्लियर। तो ये मेरे पास आ गया, क्या किया मैंने, यस, फर्स्ट नंबर को क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, नेक्स्ट नंबर को भी राउंड ऑफ कर दिया, बट फर्स्ट नंबर को क्या करें राउंडेड अप, नेक्स्ट नंबर को क्या करें राउंडेड डाउन, बस उन दोनों की क्या निकाली है वैल्यू। अब मेरे को क्या करना है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, सो यस डू विद मी, 300 मल्टीप्लाई 100, हाउ मेनी जीरोज आर देयर, 1 2 3 4 2 3 4, एंड 3 1s are 3, सो दिस इज योर आंसर। ओके, इजी था ना, आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से ये क्लियर समझ आ गया होगा, सिर्फ ये वाले सम रहते थे, बाकी सारा जो पोर्शन है वो सारा आपका प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है, आपने अच्छे से रिवीजन करनी है। टेस्ट है चैप्टर 3 का, 29 का आपका टेस्ट है, 11 to 11:30 30 मिनट्स दिए जाएंगे, और चीटिंग नहीं करनी है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट।